हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है ना, मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझे होली खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन होली खेलने के बाद जो रंग लग जाता है ना, उसे निकालना कितना मुश्किल होता है। साथ में होली पे केमिकल्स वाले जो कलर्स आजकल इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे तो फेस पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लास्ट टाइम की मैं बात करूं, मैंने होली खेला था, मैं आपको यहाँ पिक भी दिखा दूंगी। बहुत मजा आया होली खेलते हुए तो, लेकिन होली के बाद जो वो कलर्स थे ना, वो इतनी मुश्किल से तो मैंने निकाले फेस से। स्किन पे इतने ज्यादा आजकल कलर्स भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो इतनी आसानी से निकलते भी नहीं है। और वो केमिकल वाले जो कलर्स होते हैं ना, मेरी स्किन पर एलर्जी हो गई थी, मतलब रेडनेस हो गई थी, इतने निशान हो गए थे, स्पॉट्स हो गए थे। बाद में एक महीना मुझे इतना परेशानी झेलनी पड़ी सिर्फ इन केमिकल वाले कलर्स की वजह से। तो क्या करें, क्या अब हम होली भी ना खेलें? देखिए, पूरा साल इंतजार करते हैं कि होली आएगी, तो देखिए होली तो हम जरूर खेलेंगे लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। तो इस बार मैं क्या प्रिकॉशंस ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपनी स्किन को होली खेलने से पहले बहुत अच्छे से हाइड्रेट करूंगी, बट मैं हाइड्रेट किसी मॉइस्चराइजर या क्रीम से नहीं करूंगी, मैं फेशियल ऑयल इस्तेमाल करूंगी। देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने फेशियल ऑयल के फायदे आप सबके साथ शेयर किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूँ फेशियल ऑयल के लिए, क्योंकि मैं डेली रूटीन में इसे इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। देखिए, जब हम होली खेलते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो कलर्स होते हैं होली के, उनकी वजह से हमारी स्किन कितनी ड्राई ड्राई हो जाती है। इसीलिए हमारी स्किन को हमें बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर और क्रीम होती है, जब हम पानी वाली होली खेलेंगे तो वो सब निकल जाता है, क्रीम निकल जाती है, लेकिन ये जो फेशियल ऑयल होते हैं वो हमारी स्किन को अच्छे से डीप पेनिट्रेट करते हैं और बहुत अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है, हमें फेशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो हम कोई नेचुरल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या फर्क है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को हाइड्रेट तो कर देगा, लेकिन जो सन की जो यूवी रेज होती है जो हमारे फेस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, हमारी स्किन को बहुत टैन कर देती है। आप समझ ही सकते हो कि सनस्क्रीन लगाना आज के दौर में कितना ज्यादा जरूरी है। इवन बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि हमें हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करके रखनी चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को सनरेज बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में डैमेज पहुंचाती है और हमारी स्किन पर रिंकल्स भी हो जाते हैं। इसीलिए ये डबल काम करता है, एक तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, साथ में आपकी स्किन को जो सन की यूवी रेज होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन का भी काम करता है। नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल हमारे फेस पर एक ना प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जो हमें कलर्स के साथ तो बचाता ही बचाता है, साथ में धूप की रेडिएशन से भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, मतलब फेस पर अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी हैवी या कुछ चिप चिप जैसा नहीं फील होता है। और इसमें मोरिंगा ओलिफेरा पाया जाता है, जो कि हमारी आयुर्वेदा में भी और रिसर्च में भी बताया गया है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारी स्किन के लिए, साथ में ये हमें यूवी रेडिएशन से तो प्रोटेक्ट करता ही करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि 100% नेचुरल है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और देख लीजिए, आप कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप तो जानते ही हो नेचर श्योर के सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और मैं काफ़ी सालों से इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं तो इन्हें हाईली रिकमेंड करती हूँ, मैं तो रेगुलर यूज़ कर ही रही हूँ। आप भी यूज़ कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो इस होली मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छा स्किन केयर सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया है। आप सब भी नेचर श्योर की तरफ से पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल इस्तेमाल कीजिए, 100% नेचुरल है, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ के साथ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी फेस पर एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर बाय कीजिए आप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 100% बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि मैं इसे बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर बाय कीजिए, बल्कि आप होली पर तो यूज कीजिए ही कीजिए, इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में इसे शामिल कर लीजिए, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाएगा। तो जरूर यूज कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा।
थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।